من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن إحسان طبتم يا أهل القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मोहम्मदिन वा आलि व साहब ही अजमीन अम्माबाद वूज़बिल्लाशाज़ीम बसमिल्लर रहीम अल्हदिल्लाजी हदाना लिहाज़ा व माकन्नाली नख़त अनहदान अन हदानल्लादकलम रब शराली सदरी वसरली वा अमरी वाहलुदतानी यफ़ाहु कोली रबसर वला तोिरर व बिल बिलखैर आमीन या रबल आलमीन सतुल आराफ की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है मोमिन जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनकी ज़ुबान पर जो अल्फ़ होंगे वो ये होंगे कि अल्हमदल्लाजी हदाना लिहाजा तमाम तारीफ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया माँ कुन्नाली नदिया अन हदान अल्लाह और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह हमें यहाँ ना पहुँचाता याद मैंने आपके सामने ख़ास इस मकसद के लिए तिलावत की है और इसका तर्जमा आपके सामने बयान किया है कि हम यहाँ पर आने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ये जब क्लास शुरू हुई है या ये कोर्स शुरू हुआ है फैसलाबाद में तो एक सवाल मैं आपसे अगर करूं क्या इस शहर में फैसलाबाद शहर में कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले या कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने वाले लोग बस इतने से ही हैं यकीन तो आपका जवाब होगा कि नहीं इतनी बड़ी आबादी फैसलाबाद की उस में से इस कोर्स के लिए पता नहीं कितने लोगों ने यहां पर आने का इरादा किया होगा और उन इरादा करने वालों में से कितने लोग यहां पर पहुंच पाए हैं इस एतबार से जो लोग यहां पर पहुंच पाए हैं मैं उन्हें खास तौर पर पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये खास लोग हैं जो अल्लाह ताला की तौफीक से उसके फजल से यहां पहुंचे तो इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरे शौर के साथ एक मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपने यहां पर आने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने आपको यहां पर पहुंचाया और कभी भी यहां पहुंच ना पाते अगर अल्लाह ही आपको यहां ना पहुंचाता और बंद मोमिन से ये रिक्वायर्ड है कि उसने कोशिश करनी है और उसकी तोफ़ीक उसे अल्लाह ताला ने देनी है लिहाजा उसने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें यहाँ पर पहुँचाया कल हमने अपने पहले सबक में जो चीज़ें पढ़ी थी उनको ज़रा जहन में ताज़ा कर लें हमने अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले हरूफुल हिजा के बारे में पढ़ा था और आज तजवीद के पीरियड में आपने उन हिज़ा को एक मरतबा तफसील से मज़ीद पढ़ लिया और उनको पढ़ने का तरीका वो भी आपके सामने बिल्कुल वाज़ हो गया अलहदुल्ला कि वो हरूफ जो उर्दू में ए साउंड पर ख़त्म होते हैं उनको हमने अरबी में आ साउंड के साथ अदा करना है नुरानी कायदा में चूंकि वो हरूफ लिखे ही ऐसे होते हैं अलिफ फिर बा वो बे और अलिफ के साथ लिखा होता है फिर इसी तरह ता लिखा होता है इसी तरह सा लिखा होता है तो इसलिए हमें वहाँ पर पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती लेकिन अगर ऐसा ना लिखा हो जैसे कि बोर्ड पे अभी आपके सामने हरूफ आएंगे तो उस वक्त हमें ये फार्मूला जो है हमारी मदद करेगा कि हम उस हर्फ को पहले उर्दू में पढ़ के देखेंगे कि हाँ इसकी साउंड जो है वो ए पर ख़त्म हो रही है लिहाजा हमने अब इसको ए के साथ नहीं बल्कि आ के साथ पढ़ना है यानी अलिफ के साथ पढ़ना है उसके बाद हमने बुनियादी हरकत जो हैं वो जेर ज़बर पेश उनके बारे में पढ़ा अलामत स्कूल को देखा और फिर हरूफुल हिजा की तादाद जो हमारे सामने आई थी वो थी अट्ठाईस या उनतीस और उस फ़र्क की वजह भी मैंने आपको बता दी थी कि वो फ़र्क जो है वो अलिफ और हमज़ा का फ़र्क है और अलिफ और हमज़ा में फ़र्क क्या है ये भी अलहमदिल्ला आपको क्लियर हो चुका है कि हर वो अलिफ जिस पर तीन बुनियादी हरक़त ज़ेर ज़बर या पेश या फिर अलामत सकून ये आ जाएँ तो अब वो अलिफ़ जो है वह अलिफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है और इस हवाले से हमने अलहमद कल पहचान की थी दो अल्फाज मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे थे एक था इकरा और एक इंसान और फिर इन दोनों अल्फाज में हमने अलिफ और हमजा को जो है वो पहचाना था कि इकरा वर्ड जो है इसमें कोई अल्फ नहीं है पहला वाला वो भी हमजा है और आखिरी वाला वो भी हमजा है जबकि इंसान में पहला वाला तो हमजा है लेकिन जो दूसरा है नून से पहले वह अलिफ है तो पिछले सबक की रिवीज़न मैंने आपके सामने कर दी है अब हम उसी सबक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो जो दो अल्फाज़ आपके सामने आए थे इकरा और इंसान अगर इन अल्फाज पर आप गौर करें तो ये अल्फाज़ कैसे बने हैं ये अल्फाज़ हुरूफ़ुल हिज़ा और वो जो बुनियादी हरकत मैंने आपके सामने रखी थी उनसे मिलकर बने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला फार्मूला अरबी ग्रामर का हमने पढ़ लिया है वो फॉर्मूला क्या है कि हरूफ और हरकत इनके मिलने से लफ्ज बनते हैं यानी इकरा आपका एक लफ्ज है इंसान आपका एक लफ्ज है तो पहला फार्मूला अल्हमदल्ला हमारा जो है वो सामने आ गया कि हरूफ और हरकत का मजमुआ जो है वो लफ्ज बनाता है मसन मजीद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं मसन ये मेरे हाथ में जो एक चीज है इसका क्या नाम है कलम तो हरूफुल्हिजा जो हमारे अट्ठाईस हरूफुल्हिजाए हैं उनमें से काफ लाम और मीम मैंने लिए हरूफ और इन पर मुनासिब हरकत लगाई तो ये लफ्ज़ बन गया कलम फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं क्या हासिल करने आए हैं इम ठीक है तो इन शाला तला जब अरबी पढ़ेंगे तो उर्दू भी हमारी ठीक होगी तो इलम हम नहीं हासिल करने आए यहाँ पर हम इल्म हासिल करने आए हैं और इल्म जो है वो आन लाम मीम इन हरूफ और इन पर मुनासिब हरकत या अलमत स्कून जो हमने पढ़ा है उसी के हवाले से अभी तक मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ इल्म फिर इसी तरह कल जो बात हुई थी कि हमारी बोली जानी वाली जुबान उर्दू में अस्सी फीसद अल्फाज जो हैं वो अरबी के तो कलम ये अरबी का लफ्ज है इल्म ये अरबी का लफ्ज है कुर्सी यह अरबी का लफ्ज है आयतुल कुर्सी वसिया कुर्सी वाल अर्थ फिर एक बहुत प्यारा लफ्ज काफ ता, अलिफ और बा मुनासिब हरकत के बाद ये क्या लफ्ज बन जाता है किताब ये भी अरबी का ही लफ्ज है और जब भी मैं किताब की बात करता हूं तो मेरे सामने फौरी तौर पे किताबें जिंदगी आ जाती है यानी वो जो किताब हदायत कुरान वो तो है ही है लेकिन जो किताब जिसे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने लगाऊं वो किताब मेरी और आपकी जिंदगी की किताब है और ये वो किताब है जिसके राइटर और ऑथर मैं आप हम खुद है। हम में से किसी को ज़रूरत नहीं है कि हम एक दूसरे की किताब में कुछ ऐड कर सकें या निकाल सकें और कुरान मजीद पढ़ने वाला हर कारी इस बात को जानता है कि क़्यामत के दिन यही किताब उसके हाथ में पकड़ाई जाएगी और अल्लाह ताला उसे फ़रमाएगा कि इकरा किताबक पढ़ अपनी किताब इसलिए कि ये जो किताबी ज़िंदगी है इस किताब का एक सफ़ा हम में से हर कोई रोज़ाना लिखता है और फिर उसको पलट देता है फिर लिखता है पलट देता है और ये किताब जो है ये इसका वॉल्यूम हर एक के हिसाब से मुख्तलिफ है और हम सब ये भी जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस किताब का यानी इस किताब का इस किताब ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा लिख रहे होंगे और हमारे मरते ही हमारी आँख बंद होते ही हमारे साथ ये किताब भी बंद कर दी जाएगी और फिर क्यामत के दिन यही किताब जो है अल्लाह ताला हमारे हाथ में पकड़ाएगा और क्या फरमाएगा कि इकरा किताबक पढ़ अपनी किताब का फा नफसिकमई का हसीबा आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद काफ़ी है आज कोई ऑडिटर्स उनकी ज़रूरत नहीं है पढ़ो और अपना हिसाब खुद ही करो और फिर कुरान मजीद का मज़ीद मुताला हमें यह भी बताता है कि ये किताब या तो इंसान को एजाज़ के साथ उसके दाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी या फिर ये किताब जो है उसके बाएं हाथ में दी जाएगी हमारी हैसियत इस दुनिया की ज़िंदगी में एक तालब इम की है किस तरह इसलिए कि हम इस दुनिया को क्या कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए दारुल इम्तिहान है और इम्तिहान में तालब इम ही जो हैं वो शमूलियत इख्तियार करते हैं तो हम सब तालब इम है और जब भी इम्तिहान होगा उसका रिजल्ट ज़रूर निकलेगा तो रिजल्ट कब निकलेगा वो क्यामत के दिन रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट वाले दिन हमेशा दो तरह के ही तलबा होते हैं एक कामयाब होने वाले और दूसरे नाकाम होने वाले लिहाजा वही दो तलबा दो एक किस्म के तलबा उनको सामने रखते हैं बड़ी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह तक ये बात हमें समझाने की कोशिश की है और कुरान मजीद में दो मकाम पर इस कैफ़ियत को बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया सूरत हाका में और सूरत में सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फामा मन ऊँतिया किताब हु जमीनी ही जिसे उसकी किताब उसके दाएं हाथ में दी जाएगी फूफबू हिसाब यसीरा तो उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा और आसान हिसाब क्या है आप अलहमदिल्ला जानते हैं कि एक मरतबा बिक्रम सल्हम दुआ मांग रहे थे कि हा सिबनी हिसाब अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना हज़रत आयशा रजी पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसान हिसाब क्या है तो आपने फरमाया कि आयशा अन्हा बंदे के नामा अमाल पर नजर डाली जाएगी उसकी नेकियों को अप्रिशेट किया जाएगा उसकी गलतियों को उसकी कोताही को दरगुजर किया जाएगा इग्नोर किया जाएगा और उसे कामयाब करके पास करके जन्नत में भेज दिया जाएगा तो यह है आसान हिसाब फिर आपने फरमाया कि जिसका हिसाब शुरू हो गया फ़कत हलका वो तो हलाक हो गया इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ जरूर करते रहने चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिब ना हिसाब कि अल्लाह हम सबसे आसान हिसाब लेना और फिर आगे बड़े खूब अल्फाजे वन कलीब अला आहली ही मसरूरा यानी जैसे उसकी किताब यानी उसका रिजल्ट कार्ड यानी उसका आमाल नामा रिजल्ट कार्ड क्या होता है आमाल नामा ही होता है ना यानी रिजल्ट कार्ड जब बच्चा लेकर आता है घर पे तो यही कहा जाता है दिखाओ अपना नामा क्या कर कर आयो तो जिसे उसका आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा उससे पहला जो उस पर कर्म होगा वो ये के उसे आसान हिसाब लिया जाएगा वह यन कलब इला मसरूरा और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा क्यों लौटेगा इसलिए कि एक कामयाब होने वाला तालब इम अपने पास होने की खुशी को सबसे पहले किसके साथ शेयर करता है अपने घर वालों के साथ और इसी मजमून को सुदुल हाका में बयान फरमाया गया कि फाम ऊतिया किताब हुमी ही फकूल उकराउ हाँ किताब जिसे उसकी किताब उसका रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में दिया जाएगा तो सबको दिखाता फिरेगा कि ये देखो ये देखो मेरा रिजल्ट कार्ड मैं पास हो गया मैं कामयाब हो गया इन्नी जनन तो मुलाकिन हिसाबिया मुझे यकीन था कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलकर रहेगा फ हुआ फ़ी ईशतिया फिर वो मन चाहे जिंदगी में होगा फी जन्नत इन आलिया कुतूफ दानिया उस बाग में कि जिसमें फलों की शाखें खोशे जो हैं वो झुके हुए होंगे और उसे क्या कहा जाएगा क्लू वशरबू हनीम भिमा असलफ़ तुम फिल अया मिल खाओ पियो मज़े से उन आमाल के बदले में जो तुम गुज्त दिनों में कर कर आए लेकिन इसके बरक्स वो तलबा भी होंगे जो नाकाम तलबा होंगे और जब नाकाम होने वाले तालब इन को पता होता है कि मुझे तो मेरा रिजल्ट कार्ड बाएं हाथ में मिलेगा तो वो आम तौर पर अपना हाथ पीछे कर लेता है तो कुरान में सदिन शाख में उस कैफियत को भी बयान फरमाया गया कि वाम मन ऊतिया किताबा हूँ वरा अजहरी ही जैसे उसका रिजल्ट कार्ड उसकी पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा फूफ यद ऊ सबूरा तो वो तो मौत को पुकारेगा वो तो चीख पुकार करेगा कि मारा गया मैं तो बर्बाद हो गया और सूरफ फुरकान में बड़े खूबसूरत फ्फाज है कहा जाएगा उसे कि लातदल यो मबूर वाहिदन आज एक मौत मत पुकारो वद उबूरा कसरा आज तो बहुत सी मौतें पुकारो यानी मौत का तो वहाँ फिर काम ही ख़त्म है और हाका में उसकी कैफियत यूं बयान की गई कि वामा मन ऊतिया किताबा हु बेशिमाली ही जिसे उसकी किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी फ़यकुलु या लम किताबिया तो कहेगा कि काश मुझे मेरा रिजल्ट कार्ड मिलता ही ना दिया ही ना जाता वलम अदरी माह हिसाबिया और काश मुझे अपने मार्क्स पता ना होते और यकीन माने यह भी एक नाकाम होने वाले तालब इन की कैफियत है कि जिसने फेल होना होता है उसकी ख्वाहिशात कुछ ऐसी ही होती हैं कि काश मेरा पेपर ही कहीं गुम हो जाए काश रिकॉर्ड रूम को ही आग लग जाए काश मेरे मार्क्स लगाते हुए एग्जामिनर को नींद आ जाए अजीब तरह यानी नामुमकिन ख्वाहिशात जो है वो इंसान करता है तो वहां पर बिल्कुल वही बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि या लई तनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लईता हा काना तिल का ना तिलका दिया और आकाश वो जो मुझे जिंदगी में मौत आई थी ना वही मेरा फैसला कर देती मा अगना अन्नी मालिया दुनिया की जिंदगी में दो ही तरीके हैं इंसान को काम करवाने के या तो पैसा या फिर इख्तियार लेकिन कुछ भी नहीं होगा इसलिए मागना अन्नी मालिया मेरा तो माल भी मेरे कुछ काम ना आया हालांकि अन्नी सुल्तानिया मेरी तो हुकूमत मेरा इकतेदार मेरा स्टेटस हलाक हो गया और फिर उसका क्या अंजाम होगा वो आगे अल्फाज हैं टॉपिक बहरल हमारा आ, हट रहा है लेकिन सिर्फ मैं आपको तोजो दिला रहा हूँ कि हमने जो कल बात की थी के में मुद्दकिर, कि वलगत यसन कुरान अल में मुद्द कि यकन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया तो मुझे बताएं कि इन आयात के हवाले से किसी लंबी चौड़ी तफसीर की ज़रूरत है आपको ये आयात आपके सामने आए और इनका सिर्फ मफहम आपको आता हो और मफहूम कब मुमकिन है आना जब आपको इस कलाम की ज़ुबान आती होगी और जब आपको ज़ुबान आती होगी तो कुरान बाग आप पढ़ेंगे इन दोनों जगहों से आप पता नहीं कितनी मरतबा कुरान मजीद की गुजरे हैं लेकिन कभी भी आपने तवज्जो नहीं की कि ये तो हमारा ही जिक्र है तो अब हमने ये तय करना है कि हम उस अपनी उस किताब को उस किताब ज़िंदगी को किस हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं हमारे आमाल जो हैं वो किस काबिल है क्या ये किताब हमें दाएं हाथ में दी जाएगी या अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अगर ये किताब बाएं हाथ में मिली तो क्या हल होगा अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये किताब जो है सबको हमें हमारे दाएं हाथ में पकड़ाए और हम सबको जन्नत में दाखिल फ़रमाए आमीन तो हरूफ और हरक़ के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं लफ्ज दो तरह के होते हैं एक लफ्ज की किस्म होती है जिसके कुछ ना कुछ माना होते हैं लिहाजा उस लफ्ज को बामाना लफ्ज कहते हैं और एक लफ्ज की किस्म होती है जिसके कोई माना नहीं होते और उसको बे माना कहते हैं बा माना मीनिंगफुल वर्ड्स और बेमाना मीनिंगलेस बामाना और बेमाना का फर्क आप जानते हैं अभी ताला इस क्लास के बाद आप नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चाय शाय पियेंगे तो चाय तो आप पियेंगे लेकिन ये शाये और बिस्किट विस्किट भी खाएंगे तो बिस्किट तो खा लेंगे बिस्किट या शिस्किट ये हम अक्सर अपनी जुबान में बोलते हैं यानी लफ्ज हमारी जुबान जो कुछ बाहर फेंकती है मुंह से उसको लफ्ज कहते हैं और वो लफ्ज़ जो है वो बा माना भी हो सकता है और बे माना भी हो सकता है ठीक है अब चूंकि हमारा स्कोप क्या है यहां पर कुरान मजीद पढ़ना और कुरान मजीद में कोई बे माना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ लिहाजा हम इसकी बात ही नहीं करेंगे बे माना लफ्ज़ को ग्रामर में कहते क्या है मैं ये भी नहीं बताऊँगा आपको क्योंकि ज्यादा आपके जहन पर मैं बोझ नहीं डालना चाहूँगा बामाना लफ्ज उसको कहते क्या बामाना लफ्ज अरबी ग्रामर में कलिमा कहलाता है क्या कहलाता है कलिमा, कलिमा। हम आमतौर तो पे कलमा बोलते हैं लेकिन हमने अब चूंकि अरबी पढ़नी शुरू की है लिहाजा अब हम इसे कलिमा कहेंगे जब भी किसी जुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं तो उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है यानी कुछ लोग सर जोड़कर बैठते हैं और वो उस ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले जो बामाना अल्फाज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके कुछ ग्रुप्स बना देते हैं एक किस्म के अल्फाज एक ग्रुप में एक किस्म के अल्फाज दूसरे ग्रुप में एक अल्फाज के एक किस्म के अल्फाज तीसरे ग्रुप में और इस तरह ग्रुपिंग कर ली जाती है अच्छा अब ये ग्रुपिंग जो है इसकी तादाद हर जुबान में मुख्तलिफ है अब चूंकि हमारा ज़्यादा आप यानी उर्दू ग्रामर से इतना ज़्यादा आपको वाकफ हासिल नहीं होगी लेकिन इंग्लिश ग्रामर फिर भी किसी ना किसी हद तक हमने पढ़ी हुई है या हमें पढ़ाई गई है तो ये जो ग्रुपिंग है अंग्रेज़ी में इस ग्रुपिंग की तादाद अंग्रेज़ी में आठ की तादाद है जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी में आठ हैं कौन कौन से हैं आपको पता है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एजेक्टिव प्रपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन तो ये आठ में तकसीम की गई है अंग्रेजी में बामाना अल्फाज की ठीक है लेकिन उर्दू फारसी और अरबी उसमें बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग जो है वो तीन की तादाद में की गई जितने भी बा माना अल्फाज थे उर्दू में फारसी में और अरबी में उनके तीन ग्रुप्स बना लीजिए और वो तीन ग्रुप्स जो हैं वो हम कलिमा की किस्म के तौर पे ले लेते हैं पहली किस्म है उर्दू में हम इसे इसम बोलते हैं लेकिन अरबी में इसे हम इसम कहेंगे दूसरी तकसीम फेल और तीसरी हर्फ इनसे भी आप वाकिफ हैं तो अरबी जुबान में कलिमा की कितनी अकसाम है तीन इस्म फेल और हर्फ अब जाहिर बात है जो अंग्रेजी में आठ की तादाद में तकसीम किया गया अल्फाज को तो वो आठ जो हैं वो इन्हीं में मर्ज होंगे जहन में रखिएगा यानी उसमें से जो बचेंगी चीजें वो इन्हीं तीन में से कही कहीं ना कहीं मर्ज होंगे और वो कौन कौन सी मर्ज होंगी आता आहिस्ता इन तेज पता चलेगा अब हम यह चाहेंगे यहां चाहेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम ये जान लें कि इनकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई हैं जो हमारे जहन में छठी सातवीं आठवीं में जो हमने कुछ रटी हुई थी डेफिनेशन के इसम किसे कहते हैं फेल किसे कहते हैं हर्फ किसे कहते हैं जरा उसके हवाले से हाँ जी इसम किसे कहते हैं इसम के माना होते हैं नाम ठीक है आपसे अक्सर पूछा बुझादी आपका इसम शरीफ तो आप क्या बताते हैं अपना नाम ही बताते हैं तो इसम के माना है नाम किसका नाम किसी शख्स का नाम किसी चीज का नाम किसी जगह का नाम यानी पहले उर्दू के हवाले से जो हमारे जहन में डेफिनेशन है इसमें फिर हम ऐड करेंगे कि अरबी में इसमें मजीद क्या क्या आएगा फेल किसे कहते हैं किसी भी काम के करने को लेकिन जमाने के साथ जमाने का हवाला उसमें जरूर मौजूद होना चाहिए फिर वो फेल है और हर्फ अपना कोई नहीं रखता जब तक इसमें जोड़ा ना जाए तो हर्फ अब देखें इसम फेल हर्फ ये तीनों कलिमा की अकसाम है और कलिमा क्या है बामाना लफ्ज है ठीक हो क्या लिहाजा हर्फ वो कलिमा होगा जो अपना मफहम उस वक्त वाजे करेगा जब किसी दूसरे कलेमा के साथ मिलकर आएगा अब चूंकि यही एक नई चीज आपके लिए थी तो इस हवाले से एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं देखें मैं कहता हूं पर उर्दू में पहले एग्जाम्पल दे लेते हैं पर ये पर एक हर्फ है और इसके अपने एक माना है पर के एक माना है यानी मैंने जब पर बोला तो आपके जहन में फौरी तौर पर एक मफहम आ गया यह पर वो वाला पर नहीं बल्कि पर ऑन एट वाला पर ठीक है अच्छा अब मैं आपके सामने जितनी मर्जी मरतबा पर पर पर, पर, पर करता रहूं आपको बात समझ में आएगी लेकिन जब मैं एक ही दफा कहूंगा कुर्सी पर बात क्लियर होगी तो पर जो है वो कुर्सी दूसरे कलिमा के साथ मिला और अपना मफहूम इसने क्लियर कर दिया तो अलहमदिल्लास्म फेल और हर्फ की डेफिनेशन हमारे सामने बुनियादी तौर पे आ गई अब हम इंशाल्लाह ताला इसम को बाकायदा शुरू करेंगे और तरतीब हमारी यह होगी कि सबसे पहले हम इसम को इनशाला पढ़ेंगे इसम को पढ़ने के बाद हम फेल शुरू करेंगे और ये जो तीसरी किस्म है हर्फ ये इसम और फेल पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पढ़ा दूंगा इन शाम ठीक है तो मेन जो हैं हमारे दो टॉपिक्स होंगे इस्म और फेल अब यहां से एक बात और रिजल्ट के तौर पर आपके सामने आती है कि ने मजीद का या हदीस का कोई भी लफ्ज आपके सामने आता है वो ग्रामर के एतबार से या तो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा इससे बाहर कुछ नहीं होगा आप अपनी जुबान से जो कुछ बाहर निकालेंगे बामाना लफ्स वो या तो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा तो देखें अगर हम इन तीन चीजों को अच्छी तरह समझ लें तो मुझे बताएँ कुरान मजीद की ज़ुबान समझनी मुश्किल होगी कत सिर्फ़ तीन चीज़ें इस्म फ़ैल और हर्फ तो अब हम अल्लाह ताला की तोफ़ी से इम को बाकायदा शुरू करते हैं एक मरतबा दुआ जो है वो दोबारा पढ़ लें हाँ जी दुआ माशा कल याद थी तो रबी असर वला तोिरर व तम बिल खैर इस डेफिनेशन आपके सामने आ गई है इसम से मुराद नाम है और किसी शख्स का नाम मसलन आप कहते हैं जईद शख्स का नाम हो गया फिर इसम जब भी आएगा आपके सामने अरबी में तो जहन में रखिएगा कि अब अंग्रेजी की तकसीम को भी सामने रखें नाउन इसम प्रोनाउन वो तो जो प्रोनाउन है वो भी आपका इसम में ही आएगा यानी प्रोनाउन को क्या कहते हैं उर्दू में इसमें जमीर ठीक है तो इसमें जमीर इसम साथ लगा हुआ है इसके लिहाजा आपका जो प्रोनाउन है जो जमीर है वो भी इसम की कैटेगरी में आएगा और प्रोनाउंस क्या है आपके मैं सबसे पहले और मैं क्या है अना 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 क्या है आई ठीक है तो मैं अना फिर इन प्रोनाउंस की मजीद जो है वो आगे किसमें होंगी वो इन शाला जब पढ़ेंगे तो उस वक्त हम सामने रखेंगे किसी चीज का नाम मसल कलम किसी जगह का नाम मसलन मस्जिद फिर अरबी जुबान के हवाले से बता रहा हूँ कोई एजेक्टिव अब देखें एजेक्टिव को आप क्या करते हैं उर्दू में इसमें सिफ्त तो उसके साथ भी इसम लगा हुआ है लिहाजा आपके जो एजेक्टिव हैं यानी अंग्रेजी में वो आप देखें वो मर्ज हो रहे हैं वो जो आठ की तकसीम है वो इन तीन में हमने फिट करनी है तो उसमें प्रोनाउंस आ गए और एजेक्टिवस भी आ गए तो कोई सिफत जो है आप देखें हम बोलते हैं इसे उर्दू में उर्दू में बोलते हैं सिफ्त लेकिन इसकी प्रोनंसिएशन जो है अरबी में वो है सिफत सिफत यानी फापे जबर बोलनी है तो कोई सिफत जो है वो इसम की कैटेगरी में आएगी मसलन नेक एक सिफत है और इसके लिए हम अरबी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सवाल ये चंद चीजें आ गई फिर एक सबसे अहम चीज जो हमने इसम की कैटेगरी में रखनी है वो है नेम ऑफ एक्शन किसी काम का नाम आप कोई भी काम करते हैं हर काम का कोई ना कोई नाम है मैं क्या कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं मैं लिख रहा हूं आप पढ़ रहे हैं ठीक है अच्छा अब पढ़ना लिखना देखना सुनना बोलना ये सारे नेम ऑफ एक्शन है इन्हें हम फेल नहीं कहेंगे आमतौर पर फेल की डेफिनेशन में हम ही रहते हैं ना फेल वो लफ्ज होता है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए मसलन खेलना बैठना दौड़ना भागना खाना पीना सोना वगैरह तो हम एग्जाम्पल रखते हैं कि नून अलिफ ना वाले ये सारे फेल हैं लेकिन अब यहां थोड़ा सा जरा हम फर्क करेंगे कि जितने भी नेम ऑफ एक्शन हैं आएंगे असल में इसमें जमाने का जिक्र नहीं है देखना इसमें कोई जमाना पाया जा रहा है देखा इसमें जमाना है मैं कहता हूं उसने देखा तो आपको पता चल चलिए काम देखने का हुआ लेकिन साथ जमाना भी पता चल रहा है माजी का देखता है या देखेगा इसमें आपको पता है काम हो रहा है देखने का लेकिन साथ जमाना भी पता चल रहा है तो देख देखा देखता है या देखेगा ये हमारे अफाल होंगे फेल होंगे और देखना जो होगा ये हमारा इसम होगा तो नेम ऑफ एक्शन जिसे आप वर्बल नाउन भी कह सकते हैं जैसे आप इंफिनेटिव भी कह सकते हैं तो ये भी आपका इसम की कैटेगरी में आएगा मसलन मारना एक काम है एक काम का नाम है तो उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है जर्ब कहता ना मैंने जर्ब लगाई तो जर्ब जो है ये नेम ऑफ एक्शन है तो इसम के हवाले से अलहमदल हमारे सामने मजीद एक बात आ गई अब मैंने चूंकि इसम को इस्तेमाल करना अपनी गुफ्तु में अपनी तहरीर में लाना तो अरबी जुबान में मैं किसी भी इस्म को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मुझे उसके बारे में चार बातें मालूम ना हों जी डॉक्टर साहब मैंने क्या कहा जब तक चार बातें ना मालूम इस्म के बारे में जब तक मुझे चार बातें अच्छी तरह मालूम ना हो जाएं मैं उस इस्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता ठीक है अब वो चार बातें क्या हैं वो इस वक्त तो वक्त इतना ही है कि मैं सिर्फ उनकी आपको हेडिंग्स ही दे देता हूं फिर इन तब कल से हम एक एक बात को तफसील से पढ़ेंगे तो वो जो चार बातें हमें मालूम होनी चाहिए वो क्या है वो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखता हूं किसी भी इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए मुझे उस इसम की यानी जेंडर यानी मुजक्कर या मोनस उस इसम का मुजक्कर या मोनस होना मालूम होना चाहिए वरना मैं गलती करूंगा कलम या चले कुर्सी कुर्सी को जुमले में इस्तेमाल करें जरा जिससे मुझे पता चले कि इसम कुर्सी जो है उर्दू में मुजक्कर है या मोनस है कुर्सी पड़ी है कभी आपने कहा कुर्सी पड़ा है ठीक है ना यानी आपकी बात मैं कर रहा हूं आपने तो नहीं कहा ना कभी ठीक है <laughs> कुर्सी उर्दू में हमेशा पड़ी होती है सही है अच्छा अब कुर्सी उर्दू में मोन्ना से इस्तेमाल हो रही है हालांकि कुर्सी सेक्स के हवाले से कुछ भी नहीं है ठीक है ना लेकिन हम उस कुर्सी को उर्दू में मोन्ना से इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक हो गया अच्छा अब यानी हर लफ्ज हर जुबान में जिन्स के एतबार से मुख्तलिफ होगा दिलचस्पी की बात यह कि कुर्सी अरबी में मुजक्कर होगी बात समझ में आई यानी ये देखिए दिलचस्पी आपकी यहां से बनेगी कि, कि कुर्सी उर्दू में मोनस है लेकिन अरबी में मुजक्कर होगी अब मुजक्कर मोहनस का हमें कैसे पता चलेगा कोई इस मुजक्कर है ही हमें पढ़ना पड़ेगा ना उसके बारे में तो इसलिए पहला अहम टॉपिक हमारा होगा हमें इस कि जेंस के बारे में जानना होगा कि कौन से आसमान जो हैं अरबी में मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं कौन से मोनस जो मुजक्कर हैं वो तो हकीकी मुजक्र है ही हैं जो मोनस है ही है, तो हैं है। दूसरे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं किताब हम उर्दू में क्या कहते हैं मेरी किताब मेरी किताब कभी मेरा किताब नहीं का लेकिन अरबी में किताब जो है वह मुजक्कर उर्दू में हम कहते हैं आसमान नीला है। लेकिन अरबी में आसमान मोहनस है ठीक तो ये एक दिलचस्प टॉपिक है सबसे प्यारा और दिलचस्प टॉपिक अरबी का जेंस के हवाले से नंबर दो मुझे इसम के अदद के बारे में पता होना चाहिए अदद से मुराद इसम का नंबर है और नंबर से मुराद आप जानते हैं वाहिद और जमा उर्दू में अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल लेकिन अरबी में अदद तीन है वाहिद एक के लिए जमा कल भी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे आपके सामने दो से ज्यादा के लिए ठीक है और दो के लिए मुसन्ना या तसनिया और नंबर तीन इसम की वसत वस्सत से मुराद कैपैसिटी और कैपेसिटी से मुराद इसम का नकरा या मारिफा होना यह भी आपके इलम है और चौथी चीज इसम का एराब र आप किसे कहते हैं आप किसे हमने फौरी तौर पे आ जाएंगी हरकत जबकि एराब और हरक़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कल इन शाह यहीं से हम अपने सबक को शुरू करेंगे जो आज आपको सबक मिला है वो ये मिला है कि हरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं लफ्ज़ की दो अकसाम है बा और बेमाना बा लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं कलीमा की तीन अकसाम है इसम फेल हर्फ और इसम को हम अगर जुमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी तरकीब में लाना चाहते हैं तो चार बातें मुझे उसके बारे में मालूम होनी चाहिए इसम की जेंस अदद वसत और एराब आप इनके बारे में तफसील से इनशा ताल हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اهل القران